हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, और मैं भी ठीक ही हूँ। सो गाइस, आज है मंडे, और आप बोल रहे होंगे कि आज मंडे है और मैं घर में क्यों हूँ। सो आज मेरे घर में होने का एक कारण है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आज मंडे है और मैं घर पे हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात में अचानक से मेरे जो पेट है उस पर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो पूरी रात में बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। हो सकता है खाने पीने की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है, और कमर में तो मेरे दर्द अक्सर रहता है, तो वो भी साथ में हो रहा था। सो पूरी रात में जगी हूँ कुछ 6-6:30 बजे तक। उसके बाद थोड़ी सी मुझे नींद लगी, और हिम्मत तो थी नहीं कि मैं ऑफिस जा सकूँ क्योंकि पेट में मेरा बहुत पेन था। तो आज मैं घर में हूँ, और अभी मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ दवाइयाँ वगैरह लेकर। सो दवाइयाँ भी खाना मैंने शुरू कर दी है, और डॉक्टर ने बोला है लाइट ही खाने को। सो खिचड़ी खाना है मुझे, और अभी खिचड़ी बनाएंगे हम लोग। तो बस मैं जैसे नीचे गई थी तो क्लिनिक वगैरह से मैं दवाई वगैरह लेके आई, और थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह कभी लेकर आई हूँ। सो मेरे फेस में भी आपको दिख रहा होगा, मेरी मेरी मुंडी में थोड़ी सी बीमार जिससे मैं लग रही हूँ। सो बस यही है अपडेट। तो मैंने बोला कि ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात करते हैं, और मैं घर में हूँ तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे होगा मैं शूट करूँगी, आपको तो थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहूँगी। सो मैं अपने इस वाले रूम में हूँ, ये रूम हमारा अभी एकदम खाली खाली। वैसे तो हमारा सारा घर अभी खाली, हम लोग ने सामान ऐसा कुछ ज़्यादा लिया नहीं है। ये मिरर है जो मैंने बनवाया है, इसे भी हमें फिटिंग करवाना है, इसे अच्छे से डेकोरेट करना है। सो सब कुछ धीरे धीरे होगा टाइम मिलने के साथ। सो बस मैं मार्केट गई थी तो मैंने सब्जियाँ वगैरह भी लेके आई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर खिचड़ी वाली दाल मैं लेकर आई हूँ, छिलके वाली ही, बाकी तो फिर रेगुलर सब्जियाँ हैं। और एक और चीज़ लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं लेकर आई हूँ ये वाली बेर, ये थोड़ी बनारसी वाली प्लस देसी मिक्स बेर है, बहुत ज़्यादा मीठी है। और काले अंगूर आ रहे थे तो ये भी मैं लेकर आई हूँ भी खाने के लिए। तो साथ ही साथ दूध भी लेकर आ गए हम लोग, वरना अक्सर शाम को लेकर आते हैं, बट नीचे चले गए तो लेके आ गए इस बार में सारी चीज़ें। सो खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल तो यूज़ करेंगे, उसके साथ मैं सब्जियाँ ज़्यादा डालूंगी, थोड़ी सब्जी वाली खिचड़ी बनाएंगे, एकदम लाइट वेट वाली, पतली पतली सी। तो दाल तो हमारे पास है, चावल भी है। अब मैं सारी सब्जियाँ थोड़ी काट लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है, बहुत सारी सब्जियों का मिक्सचर है इसमें, बहुत ही हेल्दी खिचड़ी है दाल वाली। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद मैं अभी शाम को कर रही हूँ। तो पूरा दिन खाना वाना खाने के बाद मैंने दवाई ली और फिर मैं आराम कर रही थी, और फिर शाम हुई, उसके बाद चाय वाय मैंने पिया और अभी मैं जस्ट नहा कर आई, क्योंकि मैंने दिन में नहीं नहाया था। तो अभी मैंने नहाया था, थोड़ा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि नहाना ज़रूरी था, नींद भी अच्छी आएगी रात को। और आपको मेरी शक्ल से तो दिख ही रहा होगा मेरी तबीयत। सो पेट की वजह से, दर्द की वजह से पूरी बॉडी में थोड़ी वीकनेस तो आई है, और फिलहाल तो मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया ऐसा जिसको मैं शूट कर सकूँ। सो मैंने सोचा अभी मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। और किचन में हमारे आज बन रहा है लौकी, तो मेरा बहुत ही सिंपल सा खाने का मन था। दिन में मैंने खिचड़ी खाई थी जैसे कि आप लोग को दिखाया, और अभी भी थोड़ी खिचड़ी खाऊंगी, लेकिन एक या दो रोटी खाऊंगी मैं गरम गरम लौकी की सब्जी के साथ। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि सिंपल सी प्लेन लौकी की सब्जी खाऊं, तो आज लेकर आए हैं हम लोग भाई। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वैसे मौसम की अगर मैं बात कहूँ तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत। हम जिस घर में रह रहे हैं यहाँ, तो हमें एक्चुअली हमारा सबसे ऊपर फ्लोर वाला घर है, तो इस वजह से भी हो सकता है यहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो अभी से तो मुझे बहुत गर्मी फील होने लगी, एकदम गर्मी वाला मौसम जो लगता है ना थोड़ा सा, और तबीयत भी ख़राब थी, तो थोड़ी मनहूसियत सी भी आज लग रही थी। तो खैर, गर्मी के भी मौसम के अपने मज़े हैं, उसमें भी इंजॉय करेंगे, थोड़ा ठीक हो जाए। बाकी मैं कल से ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि ऑफिस में भी मेरा काम बहुत पेंडिंग हो जाएगा वरना। तो मैं किचन में चल के आप लोग को सब्जी दिखाती हूँ। देखिए हमारी एकदम सिंपल सी लौकी की सब्जी, मिर्च मसाले कम है, ये ऐसे सिंपल ही बनती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, एकदम प्लेन सी लौकी की सब्जी। एक्चुअली फ्लैश में कलर नहीं आ रहा है ठीक से, एक मिनट में फ्लैश ऑफ करती हूँ। ये देखिए, ये इसका है नेचुरल एक्चुअल कलर। और यहाँ पर हमारा आटा भी लग गया है, तो रोटियाँ गरम गरम बनेगी बनेंगी, तो सब्जियों को हम थोड़ा और पकने देते हैं। सो अभी चलते हैं हम अपनी बाहर बालकनी में, कुछ देर वहाँ पर टाइम बिताते हैं, थोड़ी बाहर की हवा खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई बैठा है, और ये रहा बाहर का व्यू। तो नीचे सारा ट्रैफिक तो चल ही रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए, तो ये मेन रोड है, यहीं पे मेरी बस भी आती है, ऑफिस में यहीं से जाती है। और अभी जैसे अब गर्मी का मौसम आएगा और गर्मी रहेगी, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। गाइस, और मैं क्या शूट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को अपने स्ट्रॉबेरी का अपडेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा अभी तक देखा नहीं है, तो मैं भी देख लेती हूँ। ये देखिए, ये लगी हुई है स्ट्रॉबेरी, तो ये फली हुई है और पकने भी वाली है, और ये एक है, तो ये चार स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, और मुझे लगता है साथ में ही पक जाएगी। ये तो लगभग पक चुकी है, और ये दो। और यहाँ पर देखिए कबूतर का घोंसला फिर से टूट कर गिर गया है, हमने जो बनाया था ना यहाँ पे, उन लोगों ने तोड़ दिया है। और आइए मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, रात में कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा बाहर का व्यू, सो वहाँ पर एक पानीपुरी वाले का भी ठेला है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी वहाँ की पानीपुरी, लेकिन जल्द ही करूँगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, कुछ दिन उसके बाद करूँगी मैं। और ये देखिए, ये एक्चुअली मैं मेन रोड है तो चलते ही रहती है, तो हमारा जो अपार्टमेंट है वो रोड से लगा हुआ ही है अंदर में, और यहाँ से सारी बिल्डिंग्स लगी है, सामने भी है, यहाँ से सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है आगे तक, और आगे में बहुत सारे खेत भी है। कभी मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगी जब मैं अपना कुछ ऑफिस वाला कुछ व्लॉग बनाऊँगी तब। गाइस, यहाँ पर बैठे बैठे एक बात मुझे याद आई जो मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि शेयर करूँ। सो यहाँ पर बैठे बैठे एक बात याद आई और मैं हंस रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अक्सर ही ऑफिस जाया करती थी अपने काफ़ी महीनों से। तब मैं जाते जाते यहाँ की चीज़ों को देखते हुए, यहाँ के अपार्टमेंट को देख के सोचती थी कि
यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी अच्छी है, पास पास में है, और कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम यहाँ पर रहने आएंगे, और आज देखिए हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सो भगवान जो भी चीज़ें करते हैं वो अच्छी ही होती है उसके लिए। तो हमेशा से जब भी मैंने देखा है कि लाइफ में कुछ, अगर जो भी मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी मेजर चेंजेस आए हैं, वो पिछले 1.5 साल में आए हैं। और पहले तो तकलीफ होती है हर चीज़ों को लेकर, शुरुआत में हर चीज़ों को लेकर थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि नहीं, जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, और अभी फाइनली बहुत ही स्टेबल और बहुत ही पीस फील हो रहा है माइंड में इस जगह पर बैठ के। तो कुछ चीज़ें तो भगवान के हाथों में ही छोड़ देनी चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और देखा जाए तो हमारे जो घर चेंजेस हुए और इस घर में आके हम यहाँ पे फाइनली शिफ्ट हुए, तो ये अच्छे के लिए हुआ। बस होप करते हैं कि अब यहाँ पे हम लंबा समय बिताएं, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें करीब हैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत करीब पड़ता है यहाँ से, ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा मुझे समय अब लगता नहीं है। आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, अगर बहुत ट्रैफिक रहा तो 40 मिनट्स। और सारी चीज़ें नीचे हैं, मार्केट नीचे है, डॉक्टर भी नीचे, सब कुछ, तो बहुत ही ईजी पड़ता है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आसपास अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो लाइफ में छोड़ देना चाहिए कि कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में, कि वो जो भी कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। तो इस चीज़ पे मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है लाइफ में या हुआ हो, बस एक काफ़ी है, अगर हुआ हो लाइफ में तो आप लोग अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये मैं खा रही हूँ बेर, तो मेरे पास देसी बेर भी रखी है जो मैंने आपको दिखाया था कि घर से आई थी, वो भी है, और आज मैं ये लेकर आई थी। तो ये खा रहे हैं, दिन भर से खा रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छी है, बहुत मीठी है।